दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ होने वाले महामुकाबले के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने किया अपनी टीम का ऐलान। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2023 के 17वें मुकाबले के लिए चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इस दौरान एमएस धोनी ने पिछले मुकाबले में जीत के बावजूद अपनी टीम में कुछ ऐसे बड़े बदलाव कर दिए हैं जिनको देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने कौन से मैच विनर खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर नए खिलाड़ियों की वापसी कराई, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ एमएस धोनी की पूरी टीम के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, संजू सैमसन और रोहित शर्मा में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2023 के 16 मुकाबले पूरे हो चुके हैं, जहां पर आईपीएल 2023 के 16वें मुकाबले में मुंबई की टीम ने रोमांचक अंदाज में दिल्ली की टीम को करारी शिकस्त दी। और ऐसे में अब अगला मुकाबला चेन्नई और राजस्थान के दो दिग्गज टीमों के बीच में होने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। आपको बता दें, राजस्थान और चेन्नई अभी तक कई बार आमने सामने आई हैं, जहां पर दोनों टीमों के बीच 26 बार महामुकाबला देखने को मिला है, जिनमें से चेन्नई की टीम ने 15 बार मुकाबले को अपने नाम किया है, तो राजस्थान की टीम ने भी 11 दफा चेन्नई को हराया है। हालांकि पिछली बार जब साल 2022 में चेन्नई और राजस्थान का महामुकाबला खेला गया, तो चेन्नई की टीम को राजस्थान ने 5 विकेट से हराया था। लेकिन इस बार दोनों के बीच मुकाबले में काफी बड़ा अंतर रहने वाला है, क्योंकि चेन्नई की टीम राजस्थान के खिलाफ मुकाबला अपने घर पर खेल रही है, और चेन्नई की टीम अपने घर पर 75% मुकाबले जीत जाती है, और ऐसे में चेन्नई की टीम को हराना बेहद मुश्किल है। आपको बता दें, चेन्नई और राजस्थान के बीच महामुकाबला आज 12 अप्रैल को चेन्नई के एम एच चिदम्बरम स्टेडियम पर होने वाला है, जिसमें चेन्नई की कमान महेंद्र सिंह धोनी निभाएंगे, तो वहीं राजस्थान की कमान संजू सैमसन के हाथों में रहने वाली है। और ऐसे में एक बार फिर से बड़ी राइवलरी के लिए कप्तान एमएस धोनी ने खतरनाक रणनीति अपनाते हुए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और अपनी टीम में होश उड़ा देने वाले बदलाव भी कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, एमएस धोनी ने अपनी टीम में पारी की शुरुआत करने के लिए एक बार फिर से दो महान बल्लेबाज कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया। हालांकि अभी तक तीनों मुकाबलों में दोनों ने मिलकर अच्छी पारी की शुरुआत दी है। ऐसे में दोनों को टीम से बाहर का रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाने वाला है। दोनों ने लगातार अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया और मजबूत शुरुआत भी दिलाई। इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ तो जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कॉनवे को अब बड़ी पारी खेलने की आवश्यकता होगी, जिसके चलते चेन्नई को एक और मजबूत शुरुआत मिल सके। हालांकि सलामी जोड़ी में तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन एमएस धोनी ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अजिंक्य रहाणे को एक बार फिर से मौका दे दिया है। इसके पीछे एमएस धोनी ने कारण देते हुए कहा कि पिछले मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने अच्छी पारी खेलकर सभी को हैरान कर दिया, ऐसे में उनको उनके और भी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन करने के लिए एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे को शामिल किया है, जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उन्होंने अब तक कोई बड़ी पारी नहीं खेली है, लेकिन अब की बार इनके ऊपर काफी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। तो वहीं समय आने पर शिवम दुबे गेंदबाजी से भी योगदान दे सकते हैं, ऐसे में इनको टीम से बाहर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अपने आप को रखा है, जहां पर एमएस धोनी अच्छी विकेट कीपिंग करने के लिए जाने जाते हैं और इस समय अपने खतरनाक फॉर्म में छक्के और चौकों की बारिश कर रहे हैं। और ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी के टीम में होने से चेन्नई की टीम काफी ज्यादा मजबूत पहले से ही हो जाती है। इसके अलावा एमएस धोनी ने छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मोइन अली को शामिल किया है, जो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के साथ साथ बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में इनको खराब तबीयत के कारण खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब इनको यहां पर खेलने का मौका मिलेगा और यहां इनके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी भी रहने वाली है। इसके अलावा सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है, जो अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ जबरदस्त गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अभी तक उनका कुछ खास कमाल इस आईपीएल में दिखाई नहीं दिया है, लेकिन इनके ऊपर चेन्नई की टीम को काफी विश्वास है और ऐसे में इनको टीम से बाहर नहीं किया जाने वाला है। इसके अलावा एमएस धोनी ने आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए महेश को शामिल किया है। आपको बता दें, श्रीलंका का ये फिरकी गेंदबाज अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन अब आईपीएल में जुड़ जाने से इनकी एंट्री सीधे चेन्नई की प्लेइंग 11 में हो चुकी है।
चुकी है और ऐसे में इनके आ जाने से चेन्नई की टीम की फिरकी गेंदबाजी और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए दूसरे श्रीलंका के गेंदबाज मथिशा पथिराना को भी तेज गेंदबाजी के लिए टीम में शामिल किया गया है, जो अपनी खतरनाक गेंदबाजी से तहलका मचा सकते हैं। आपको बता दें, ये गेंदबाज मलिंगा की तरह ही गेंदबाजी करता है और ऐसे में इनके चेन्नई की टीम में आ जाने से डेथ ओवर की गेंदबाजी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा अंतिम गेंदबाज के तौर पर दीपक चहर के चोटिल होने से उनकी गैर मौजूदगी में तुषार देशपांडे को शामिल किया गया है, जो पिछले मुकाबले में बेहतर गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए थे और ऐसे में एक बार फिर से बेहतर गेंदबाजी के लिए उन्हें शामिल किया गया है। इसके अलावा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी गेंदबाज के रूप में प्रशांत सोलंकी को लाने वाले हैं, जो अपने अच्छी गेंदबाजी से चेन्नई की टीम को मजबूती प्रदान करेंगे और विरोधी टीम के खिलाफ तहलका मचाएंगे। और ऐसे में इनके आ जाने से चेन्नई की टीम की गेंदबाजी और भी ज्यादा मजबूत हो गई है और इन्हीं खिलाड़ियों के दम पर चेन्नई की टीम राजस्थान के खिलाफ तहलका मचाते हुए जीत दर्ज करने के लिए मैदान पर उतरती हुई दिखाई देगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, चेन्नई की टीम में राजस्थान के खिलाफ क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।